वेलकम टू अजमेर रसोई। आज हम बनाएंगे केरी या कच्चे आम की लौंजी। ये बहुत फटाफट बन जाती है और ये खाने में खट्टी मीठी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े साइज़ की केरी, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/4 कप शुगर, 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून कलौंजी। सबसे पहले केरी का हम कटर की सहायता से छिलका हटा लेंगे। ये मैंने दोनों केरी के छिलके हटा लिए हैं। अब हम इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। हमें केरी को इसी तरह छोटा छोटा कट करना है। ये मैंने केरी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसकी लौंजी बनाएंगे। ये मैंने पैन लिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसे गरम करेंगे। अब हम इसमें कलौंजी और सौंफ डालेंगे। हम सौंफ को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें केरी डालेंगे। हमें केरी को 1 मिनट फ्राई करना है। हमें फ्लेम को लो ही रखना है। ये हमने केरी को 1 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च डालेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शुगर डालेंगे और हम शुगर के घुलने तक इसे पकाएंगे। हमारी शुगर अच्छे से घुल चुकी है और हमारी कैरी की लौंजी भी तैयार है। ये हमारी कैरी की लौंजी बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे 1 वीक तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।